नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। आज मैं आपके सामने कुछ मदरबोर्ड लेके आया हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में जानकारी दूंगा कि क्या कैसे कौन सा काम क्या काम करती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी हो सप्लाइयाँ बनाना तो बहुत आसान होती है। जैसे कि बहुत सी ट्रक दी गई हैं, जैसे कि मैंने ये लगाया है, देखिए ये MI का मदरबोर्ड है 32 इंची का। ये डेड हो गया था तो इसको लगाया, ये चालू हो गया, ऑन हो गया ये। परंतु इसके आगे भी कई फॉल्ट बनते हैं। प्राइमरी मान लो ठीक है, SMPS सप्लाई से सप्लाई बन रही है, मगर उसके आगे सर्किट काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लो वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई ICs लगाई जाती हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये IC कैसे वर्क करती है और कहाँ लगती है, वो क्या कहते हैं। तो जैसे कि ये अपना 24 इंची का मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको पता कैसे लगाएंगे, मान लो नए हैं आप या पुराने भी हैं जो CRT TV का काम करते हैं। जो CRT TV का काम करता है वो बहुत अच्छे तरीके से LCD LED TV का काम कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं कि बहुत कठिन काम होगा, कैसे आएगा समझ में कैसे नहीं। तो ये इसके बारे में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये है, मान लो ये आप तो SMPS जैसे चालू करते थे, अपन यूनिवर्सल बोर्ड काम करते थे CRT TV में, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल बोर्ड है। इसमें कैसे काम करेंगे, ये प्राइमरी मान लो आपकी काम कर रही है, इसके बाद कहाँ कैसे वोल्टेज आएंगे, कितने वोल्टेज आएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितना वोल्टेज आता है क्या नहीं। तो देखिए, जैसे कि डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आप कैथोड पर वोल्टेज नाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कॉइल जो लगी हुई है, आपको ये छोटी छोटी कॉइलें दिख रहे हैं, ये हर सेट में लगी रहती है। और ये इनको बोलते हैं बक कन्वर्टर। ये बक कन्वर्टर जो होते हैं, वोल्टेज एक स्टेप डाउन आते हैं, दूसरा स्टेप अप। दो प्रकार से ये सप्लाइयाँ बनती है, एक तो यानी जितना वोल्टेज इसको देते हैं उससे कम वोल्टेज प्राप्त करेंगे तो स्टेप डाउन बोलेंगे उसको, स्टेप डाउन सप्लाई। और जैसे कि बढ़ के सप्लाई मिलती तो स्टेप अप सप्लाई होगी। इस प्रकार से ये दो प्रकार की सप्लाई बनाई जाती है। तो देखिए, इसमें भी तो ये अलग अलग वोल्ट की अलग अलग सप्लाई बनाई जाती है। कहीं पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है, कहीं पे 1.8 वोल्ट की या 1.7 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है, 1.5 की सप्लाई बनाई जाती है, तो कहीं पे 12 वोल्ट सप्लाई बनाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार की सप्लाई बनाई जाती है। जैसे कि एक ये है, ये जो सेट स्काई बुट का है, जैसे कि इसमें है, तो इसमें क्या है कि वही सेम चीज़ सभी में एक ही है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है, ये मॉस्फेट जो लगे हुए हैं उन पर वोल्टेज नापना है, ठीक है। उन पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये चेक करना है आपको। यदि वोल्टेज आ रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि मेमोरी IC आपकी काम कर रही है कि नहीं, स्टैंड बाई में है सेट कि नहीं है। स्टैंड बाई में कैसे पता लगाएंगे, तो स्टैंड बाई के लिए आपको सबसे पहले कि जो इसकी LED होती है, जैसे कि इसमें LED लगी हुई है, ये छोटी सी LED लगी हुई है, ये ऑन होनी चाहिए। ये ऑन तो हो रही है मगर रिमोट से काम नहीं कर, क्यों नहीं काम कर रही है। क्या देखो, ये इसमें जो है, ये जो है कहाँ गया, MI का, इसमें कि ये लगी हुई है। यदि ये ऑन है परंतु रिमोट से काम नहीं कर रही, क्यों नहीं काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि EEPROM IC खराब हो जाए, मेमोरी IC खराब हो जाए तो सेट पूरा डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग फॉल्ट बनते हैं। कभी सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी क्या होता है सर्किट का भी प्रॉब्लम होता है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है आपको कि ये किस चीज़ का फॉल्ट है, कहाँ से फॉल्ट बन रहा है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। वो ये बहुत कम लोग बताते हैं कि ये कहाँ से बनेगा। ये तो बता देते हैं कि उनने 2 घंटे काम किए, 5 घंटे काम किए और निकाल के बता दिए, भाई ये ट्रांजिस्टर खराब था, ये मॉस्फेट खराब था, इसको नया लगाया, चालू हो गया। परंतु ऐसा नहीं है, उसको देखने के लिए समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये मॉस्फेट वगैरह जो ये डायोड लगे हुए हैं, देखिए ये डायोड लगा हुआ बड़ा दिख रहा है आपको अलग से, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर आप वोल्टेज नापेंगे। उसके बाद ये आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी IC लगी होती है, ये लगे होते हैं, ये कॉइल जो लगी रहती है, ये बक कन्वर्टर कहलाते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया। तो इन बक कन्वर्टर पर वोल्टेज नापना है ये आपको। अब यदि वोल्टेज ये आ रहे हैं तो फिर मेमोरी IC पर वोल्टेज नापना है, मेमोरी से IC की कौन सी पिन पर कितना वोल्टेज आता है ये आपको मालूम होनी चाहिए।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और सर्किट को थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि आप एक LCD LED का सर्किट समझ गए तो बाकी कोई भी आ जाएगी, आप तो सभी एक ही से रहते हैं, सर्किट सप्लाई वहीं पे आना है, इसलिए उसकी आप बेफिक्र हो जाइए कहाँ कैसे वोल्टेज आना है। वोल्टेज तो आपको मिल ही जाती है, मगर कहाँ कितना वोल्टेज आना है ये पता करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इन पर वोल्टेज नापिए आप, उसके बाद देखिए कि ये IC लगी हुई है, ये भी रेगुलेटेड IC है, इस पर वोल्टेज नापना है ऐसे इसी पे। वो मान लो सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी एक प्रॉब्लम और आती है कि सर डेड ही रहता है, कुछ भी कर लो आप स्टैंड बाई पे ही रहेगा, तो कभी कभी होता है। देखिए ये क्रिस्टल लगा हुआ है, एक क्रिस्टल भी चेंज करना, हर एक आप देखिएगा जितने भी यहाँ बोर्ड पड़े हुए हैं सब में लगा हुआ है क्रिस्टल, देखिए इसमें भी लगा हुआ है। ये स्मार्ट बोर्ड है अभी जो नया वाला है, इसमें भी देखिए आप, इसमें भी क्रिस्टल लगा होगा, छोटा बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिस्टल लगा होगा, जो दिखे या नहीं कहो इसके नीचे हो, मगर क्रिस्टल जरूर लगा होगा। ठीक है, जो क्रिस्टल देखना है या मेमोरी IC चेक करना है या जो ये लगे जो IC हैं, ये जो हैं लो वोल्टेज की सप्लाई जो बनाएंगे उनको चेक करना है, जैसे कि ये है इस तरीके से चेक करना। अच्छा, इसके बाद आता है एक ये IC लगी हुई है कि मान लो कि LED चालू हो रही, स्टैंड बाई में जा रहा है सेट, परंतु स्टैंड बाई से काम रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा रिलीज, तो उसके लिए देखिए या तो मेमोरी IC ख़राब होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए, या फिर ये जो IC लगी हुई है यहाँ पे, ये 111 8 IC होती है, LC 111 8 IC ये गड़बड़ होती है तब भी ये फॉल्ट होता है। ये इसमें भी लगी हुई है, देखिए इस सेट में भी लगी हुई है, ये लगी हुई है, प्रायः आजकल जितने भी सेट आ रहे हैं सभी में ये IC लग के आ रही है, तो उसका भी फॉल्ट होता है, तो इसको भी आपको चेक करना है। इसके बारे में पूरा विवरण अभी मैं दूंगा कि ये IC के पिनों का कौन सा क्या फंक्शन है, उसके बारे में बताऊँगा, कभी मेमोरी IC के बारे में भी बताऊँगा, और बाकी की जो IC हैं उनके बारे में धीरे धीरे मैं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से वीडियो देखना पसंद करते हैं या समझना पसंद करते हैं, मैं उस तरीके से आपको समझाएँगे। तो ऐसे ये है, यहाँ पे भी IC लगी हुई है, ये लगी हुई है, जैसे तो इस तरीके से IC, तो यहाँ पे एक मेमोरी IC होगी और एक जो है पावर सप्लाई रेगुलेटेड IC होगी, तो इस तरीके से इनको चेक किया जाता है। किस तरीके से चेक किया जाता है उसको मैं बारीकी से बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले इन कॉयलों के बारे में जानकारी रखें। ये जो कॉयलें लगी रहती है ये बक कन्वर्टर कहलाती हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मान लो वोल्टेज नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसके बाद आप चेक करेंगे क्या जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वहीं देखना, रेजिस्टेंस वगैरह मत देखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस देखने में बहुत दिक्कत जाती है, वो बात की चीज़ है। मान लो सबसे अधिक रास्ता ख़राब होती है रेगुलेटेड ICs जो बक कन्वर्टर पर लगी रहती वो भी ख़राब होती हैं, या कोई MOSFET लगा रहता है, ये MOSFET लगे रहते हैं ये ख़राब होते हैं, या मैंने जो बताई 111 8 वो IC भी ख़राब होती है, वो सब कुछ ये आपको चेक करना है। तो मैंने जो अभी बताया आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा है कि आपको यदि ये समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।